ओके सो हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसा निकालना है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमने गॉसेस लॉ को समझा था कि गॉसेस लॉ एक्चुअली होता क्या है. ओके सो आज का जो लेक्चर है ये उन लोगों को ही समझ में आएगा अच्छे से जो पिछले लेक्चर में जिन्होंने अच्छे से ध्यान दे के समझा था. जिन जो पिछले लेक्चर में नहीं थे या जो अटेंटिव नहीं थे या नहीं उनको उस वक्त ध्यान नहीं दिया होगा तो आज के लेक्चर में थोड़ी सी दिक्कत आएगी. ठीक है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी को समझ में आए अच्छे से. ओके सो पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से पढ़ा था कि जो रीजन होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से हम लोग गॉसेस लॉ जो है वो वैलिड है. जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया है उसी बेसिस पे गॉसेस लॉ जो है वो वैलिड है. ओके और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि मतलब किसी भी चीज को पढ़ना है तो जैसे हम लोग अभी गॉसेस लॉ शुरू करने वाले तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्यों पढ़ना है. ठीक है, तो अगर क्यों पढ़ना है वो समझ में आ जाए तो गॉसेस लॉ समझना बहुत ईजी हो जाएगा. ओके आपका काम काफी आसान हो जाता है जब वो समझ में आता है. जैसे 11th में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे तो उस वक्त हमें देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें एक्स कॉम्पोनेंट निकालना पड़ रहा था, वाई कॉम्पोनेंट निकालना पड़ रहा था. ठीक है, तो इतनी सारी जो चीजें मतलब अगर मुझे किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे उसको डिवाइड करना पड़ता था. ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, फिर जेड कंपोनेंट, और ये सब निकालने के बाद में मैं जाके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर पा रहा था. ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा रीजन है आपके लिए कि हम गॉसेस लॉ क्यों पढ़े, क्योंकि गॉसेस लॉ में हमको ये सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, अभी अभी हम देखेंगे कि क्यों नहीं है और क्या गॉसेस लॉ हमको क्या इजी करके देगा. ठीक है, तो आपके लिए आई थिंक इतना काफी होगा कि आपका ये काम आसान बना देगा. ओके दूसरा रीजन ये है कि मैक्सवेल की जो चार इक्वेशन में से एक जो के है गॉसेस लॉ. ओके अगर आप फ्यूचर में समझो अगर हायर एजुकेशन करते हैं या किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे या किसी रिसर्च फील्ड में अगर आप जाते हैं तो ये मैक्सवेल जो इक्वेशन है, मैक्सवेल की जो चार इक्वेशन है ये इक्वेशन आपको बहुत काम आएगी, बार बार आपको वहां पे परेशान करेगी. ठीक है, तो ये इक्वेशन को समझने के लिए गॉसेस लॉ जो है वो सबसे पहली इक्वेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. ओके तो ये गॉसेस लॉ को पढ़ने के लिए ये कुछ रीजन मेरे ख्याल से काफी है. ओके तो पहली बात तो ये कि गॉसेस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड है. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि गॉसेस लॉ जो है इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज सरफेस. अगर क्लोज सरफेस नहीं होगा तो वहां पे गॉसेस लॉ वैलिड नहीं होगा. ओके अगर क्लोज सरफेस नहीं होगा तो वहां पे गॉसेस लॉ जो है वो वैलिड नहीं होगा. अब वो सरफेस कैसी भी हो सकती है, किसी भी तरीके की सरफेस हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इमेजिन करके बताता हूं. जैसे कि मैं एक सरफेस ले लेता हूँ, ये अगर मैंने ये एक कोई सरफेस ले ली है जो मुझे दिखाई दे रही है तो मेरे लिए इसको समझना बहुत इजी है. ठीक है, बट अगर मैं कोई एक ऐसी इमेजिनेशन बना दूं कि इमेजिन करो कि इसके अराउंड भी एक सरफेस है जो एक्चुअली है नहीं, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि इमेजिन करो कि एक और सरफेस है जो इसके अराउंड में है, ये चाहे तो एक सिलेंडर हो सकता है या एक स्फीयर हो सकता है. तो बोलने का मतलब ये है कि गॉसियन सरफेस जो हमको सेलेक्ट करना है या कोई भी सरफेस जो हमको सेलेक्ट करना है वो रियल में भी हो सकती है या इमेजिनरी भी हो सकती है. ठीक है, तो किसी भी तरह की सरफेस हो तो हमको उस सरफेस को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा या कैसी होगी वो हमको देखना है. ठीक है, बिकॉज हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना तो फिजिक्स पढ़ने में हमको इमेजिनेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती ही है, करना पड़ेगा ही, वरना फिजिक्स समझेगी ही नहीं. शायर बनना पड़ेगा, मतलब ख्यालों में खोना पड़ेगा तभी जाके फिजिक्स आएगा, वरना नहीं आएगा. ये पहली बात के क्लोज सरफेस होना चाहिए, ये पहली बात गॉसेस लॉ समझने के लिए. दूसरी बात ये कि गॉसेस लॉ जो है वो हमें चार्ज और फ्लक्स के बीच में एक रिलेशन बताएगा. क्या बताएगा हमको? फ्लक्स और चार्ज के बीच में क्या बताएगा? रिलेशन बताएगा. इट गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन द फ्लक्स एंड द चार्ज. ओके
एंड ये पढ़ते वक्त हमको कुछ अप्रोक्सीमेशन रिलेशन बताया था, ठीक है, जैसे हमने इससे पहले भी पढ़ा है, उस वक्त हमको एक अप्रोक्सीमेशन रिलेशन बताया था, मगर अब ये हमको क्या करेगा, एक एग्जैक्ट रिलेशन देगा कि चार्ज क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, और दोनों दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन गॉसस लॉ से हमको बहुत एक्यूरेटली मिलेगा, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि गॉसस लॉ कोई नया लॉ नहीं है, ये वही लॉ है जो हमको कूलम्स लॉ ने बताया था, ठीक है। मतलब कूलम्स लॉ और गॉसस लॉ जो है वो इक्विवेलेंट है, हम देखेंगे आगे इस चैप्टर में कि कूलम्स लॉ और गॉसस लॉ किस तरह से इक्विवेलेंट है, मतलब हम एक की हेल्प से दूसरे को डिराइव कर सकते हैं और दूसरे की हेल्प से पहले को डिराइव कर सकते हैं। सिर्फ देखने का नजरिया अलग है, सिर्फ देखने का, जैसे ग्लासेस होते हैं ना, हर बार अपना ग्लासेस जो है अलग अलग होता है, तो वो हिसाब से उसको देखने का सिर्फ नजरिया अलग अलग है, मगर गॉसस लॉ और कूलम्स लॉ है एक ही चीज, ठीक है। फर्क ये है कि गॉसस लॉ जो है वो कूलम्स लॉ से ज्यादा फंडामेंटल है और इसीलिए हम इसे पढ़ते हैं, ओके। गॉसस लॉ जो है वो कूलम्स लॉ से ज्यादा फंडामेंटल है, वो हम उससे चार्ज को और अच्छे से जान सकते हैं, उसके बीच का रिलेशन अच्छे से समझ सकते हैं, इसीलिए हम गॉसस लॉ को पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि गॉसस लॉ क्या बोलता है, ओके। इमेजिन करो कि हमारे पास कोई एक चार्ज है और मैं चाहता हूं कि इस चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ये हमको पता करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जरा इसमें अच्छे से ध्यान देना कि इस चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ये हमको पता करना है। सो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो सवाल ये है कि इस पॉइंट चार्ज क्यू के कारण उस पूरे सरफेस में, मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट लेने के बजाय मैं पूरा सरफेस ही बना देता हूँ, मैंने पूरा सरफेस ही बना दिया, ठीक है। तो अब जो इस पॉइंट के लिए वैलिड होगा वो इस पॉइंट के लिए भी वैलिड होगा, और वही इस पॉइंट के लिए भी वैलिड होगा, वही इस पॉइंट के लिए भी वैलिड होगा, बिकॉज ये एक तरह का स्फीयर बना दिया मैंने और ये उसका सेंटर है समझ लो, ठीक है, जिसपे चार्ज कितना है, क्यू है, और ये उसका रेडियस है जो कि हर एक पॉइंट के लिए क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज स्फीयर में हमको पता है कि सारे के सारे डिस्टेंसेस जो है सरफेस की तरफ वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला जो हमारे पास है सरफेस इंटीग्रल का वो क्या है, हमने इससे पहले जो लेक्चर में देखा है कि इंटीग्रेशन जो है किसका, ई डॉट डी ए का, ठीक है, ये हमको पता है। अब अगर फ्लक्स में मैंने समझाया था आपको, ठीक है, फ्लक्स में मैंने ये समझाया था कि इस पूरे सरफेस का को हम क्या कर सकते हैं, इसको समझने के लिए फ्लक्स कितना है उसको जानने के लिए हम इस पूरे सरफेस को छोटे 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 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इस पूरे सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और हर एक का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के उनको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, स्पेशली जब फील्ड कांस्टेंट ना हो, ऐसे केस में ये तरीका काम आता है जब फील्ड जो है वो कांस्टेंट ना हो, ओके। ये बहुत ही अच्छा मेथड है फ्लक्स निकालने के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो दूसरा विलन था हमारा वो यहाँ प्रेजेंट है, बट अच्छी बात ये है कि जो स्फीयर होता है, ओके, वो स्फीयर से वो सरफेस जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस की दूरी पे होता है, इसके लिए हमको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस जगह पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर एक हिस्से के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में होगा। अगर इमेजिन करो कि मैं इस पॉइंट पे देखता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे बाहर की तरफ होगी। अब इस चार्ज के पास जो एरिया है उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, वो इधर होगा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दीज बोथ ऑफ देम आर इन द सेम डायरेक्शन, ओके। सो इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट, ओके। सो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ई जो है अगर वो सेम डायरेक्शन में है सो यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा 0 हो जाएगा, कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो ई जो है वो हमारा वो कॉन्स्टेंट होगा, अगर ई कॉन्स्टेंट होगा सो वी कैन टेक दिस ई एज आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, अंदर क्या बचेगा, अंदर सिर्फ डी ए मिलेगा। सो इंटीग्रेशन डी ए जो है वो बहुत ही ईजी है कि अगर मैं ऐसे सारे छोटे 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 सरफेस को अगर ऐड करते जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इस पूरे स्फीयर का एरिया मिलेगा। तो इस पूरे स्फीयर का एरिया क्या होता है,
इस पूरे स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। और हमें ये भी पता है अकॉर्डिंग टू दी प्रीवियस नॉलेज वी हैव स्टडी दैट ई इज इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ओके। और ये जो है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या क्या चीजें कैंसिल हो सकती है उसको देखते हैं। पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? जो फ्लक्स होगा वो होगा हमारे पास Q/ε0 नहीं बचेगा। यस, एनी डाउट? ओके। अब ये इमेजिन करो कि हमारे पास जो फ्लक्स मिल गया ये कितना मिल गया, Q/ε0, ओके। अब यहां पे तुम खुद देखो तो इसमें रेडियस तो है ही नहीं। इस पूरी इक्वेशन में जो हमारे पास फाइनली बची इसमें रेडियस तो है ही नहीं। सो अगर रेडियस है ही नहीं मतलब ये फ्लक्स जो है वो रेडियस के ऊपर, मतलब वो पॉइंट कितना दूरी पे है उस पर डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। यस, एनी डाउट? Someone raised your hand. Any doubt in this? Okay. So इतना समझ में आया कि R के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ओके। R के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब इमेजिन करो कि एक स्फेरिकल सर्फेस के बजाय हमारे पास एक इररेगुलर सर्फेस है, इररेगुलर सर्फेस है जिसका शेप डिफाइंड नहीं है, मुझे नहीं पता उसका शेप क्या है। तो मैंने कोई भी एक इररेगुलर सर्फेस ले लिया, अब उसके अंदर मैं अगर कोई एक चार्ज लेता हूं, ठीक है, तो उसमें फ्लक्स कितना होगा? सो आपको ये बहुत ही अजीब लगेगा कि इस सर्फेस के लिए भी जो फ्लक्स निकलेगा, जो ये क्लोज सर्फेस मैंने इमेजिन किया है, इसके लिए भी जो फ्लक्स मिलेगा हमको वो भी कितना होगा? चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। सर कैसे? वो सरफेस तो अलग था, ये सरफेस अलग है, तो सर सेम कैसे होगा? तो उसका आंसर ये है कि इमेजिन करो, हमेशा फ्लक्स को समझने के लिए इमेजिन करो कि जो चार्ज है तुम्हारा, ये चार्ज जो है एक वाटर सोर्स है, एक पानी का सोर्स है जिसमें से पानी बहुत स्पीड में हर तरफ बाहर निकल रहा है। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ ऐसे रफली। इमेजिन करो कि इसमें से पानी जो है हर तरफ बाहर निकल रहा है, प्रोवाइडेड कि इसके पास इनफ वेलोसिटी हो कि वो दूरी तक जा सके, ओके। अब फ्लक्स क्या होता है कि इस सरफेस से कितना चार्ज या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रही है, ओके। तो अब सरफेस मेरा स्फेरिकल हो या सरफेस मेरा क्यूब हो उससे फर्क ही नहीं होगा। अगर सरफेस मेरा चाहे जो भी हो, मेरे पास सेंटर में अगर एक वाटर सोर्स है और वो सब तरफ जो है पानी को बाहर फेंक रहा है, तो सारे सब जगह से पानी जो है इक्वली बाहर आएगा, उतना ही बाहर आएगा, सिर्फ वो चार्ज कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। सो सरफेस क्या है उससे मतलब ही नहीं है। समझ में आया? ओके, कैन आई गेट यस फ्रॉम एवरीवन इफ यू अंडरस्टूड दिस? बिकॉज सरफेस का शेप क्या है, रेडियस तो मैटर करता ही नहीं है, डिस्टेंस मैटर करता नहीं है। अगर डिस्टेंस मैटर नहीं करता तो ये भी मैटर नहीं करता, तो ये सरफेस का शेप क्या है? ओके, वेरी गुड। ओके, नो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जो फील्ड है वहां से कितनी बार आएगी बस वो मैटर करता है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे कोई भी चीज मैटर नहीं करती। ओके, इससे ये भी समझ में आता है कि अगर बॉडी के अंदर चार्ज जो है अगर वो बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। मतलब अगर मैं इक्वेशन बताऊं तो इक्वेशन क्या थी, कि फ्लक्स है किसका, क्लोज सरफेस का,
सो ये क्लोज सरफेस पे आने वाला जो फ्लक्स है वो किसके बराबर है, चार्ज, कौन सा चार्ज, इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो आई कैन सी दैट दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, दैट मींस इफ द चार्ज इनसाइड द सरफेस इंक्रीजेस सो फ्लक्स भी बढ़ेगा, अगर ये चार्ज कम हो जाएगा तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा. ठीक है, अब ये एक और चीज जो सोचने वाली है कि गॉसेस लॉ वैलिड है क्योंकि कूलम्स लॉ में फोर्स जो है वो 1/r² वेरी करती है. मतलब पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 1/r² वेरी करती है उसी के कारण ही 1/r² एंड r² जो है कैंसिल हो जाता है. अगर मैं पिछले इक्वेशन में बताऊं तुमको, ये देखो ये हमारा गॉसेस लॉ है ना, गॉसेस लॉ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली क्या थी, वो q/4πε₀r². सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/r² वेरी करती है कहां पे, कूलम्स लॉ में. ओके, ये कूलम्स लॉ में अगर ये 1/r² वेरी नहीं करती तो ये r² और ये r² कैंसिल नहीं होता. अगर ये कैंसिल नहीं होता तो तुम्हें शायद गॉसेस लॉ की कुछ दूसरी ही इक्वेशन मिलती जो इतनी शायद फायदेमंद नहीं होती जितनी ये है. ठीक है, तो ये याद रखे कि गॉसेस लॉ जो हम कूलम्स लॉ जो हमने पढ़ा था ये ऐसी बेकार में नहीं पढ़ा था, उसका कुछ रीजन था क्योंकि उसमें 1/r² वेरी करती है, इसी वजह से जो फ्लक्स यहाँ पे हमें मिल रहा है वो डिपेंड नहीं करता r² पे, बिकॉज r² कैंसिल हो जाता है. ओके, सो गॉसेस लॉ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड नहीं करता, ये भी ध्यान रखे कि गॉसेस लॉ जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड नहीं है, ये किसी भी फील्ड के लिए है, किसी भी तरह की फील्ड के लिए जो 1/r² वेरी होती है. ओके, अगर वो फील्ड 1/r² वेरी करेगी, ठीक है, तो गॉसेस लॉ उसके लिए वैलिड होगा और ये इक्वेशन को मैं वहां पे भी अप्लाई कर सकता हूँ. ये चार्ज के बजाय कोई दूसरी फील्ड या कोई दूसरा प्रोडक्शन, पानी हो या टेम्परेचर हो या हीट हो या किसी भी तरह की चीज जो 1/r² से वेरी करेगी, गॉसेस लॉ उसके लिए एप्लीकेबल होगा. ओके, नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो गॉसेस लॉ के लिए हमको समझना है. पहला तो ये कि सर्फेस यूज इन गॉसेस लॉ इज टर्म्ड एज गॉशियन सर्फेस. जो सरफेस हम गॉशियन लॉ में यूज करेंगे या गॉस लॉ में यूज करेंगे या गॉशियस लॉ में को पढ़ने के लिए यूज करेंगे, उस सरफेस को हम लोग बोलेंगे गॉशियन सरफेस. क्या बोलेंगे, गॉशियन सरफेस. ओके, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये किसी भी तरह का सरफेस हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है. तो ये गॉशियन सरफेस इमेजिनरी भी हो सकता है, मतलब अगर मेरे पास एक चार्ज कंडक्टर है तो चार्ज कंडक्टर के पास मैं किसी भी तरह का एक इमेजिनरी सरफेस इमेजिन कर सकता हूँ जो वहां पे एक्चुअली है नहीं, मगर मैंने उसको इमेजिन कर लिया. ये जो डॉटेड, हमको पता है कि जब भी हम डॉटेड बनाते हैं मतलब वो एक्चुअल में वैलिड नहीं होता, ये हमारा कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो कि एक्चुअल में नहीं है, इमेजिनरी है. ओके, और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में हमें इमेजिन ही करना पड़ेगा. इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और समझना है इसको कि बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसे आएंगे, बहुत सारे चीजें तुमको ऐसी मिलेगी जहां पे तुमको इमेजिन ही करना पड़ेगा. ओके, ये हो गई पहली बात कि गॉशियन सरफेस को हमको समझना है. दूसरी बात, जब हम चार्जेस की बात करते हैं तो ये नेट चार्जेस होता है. ओके, जब भी हम बोलेंगे कि उस सर्फेस के अंदर चार्ज कितना है तो हम सिर्फ चार्ज की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, नेट चार्ज की बात कर रहे हैं. नेट चार्ज का मतलब क्या होता है, if imagine if we have a surface and it has two charges plus q and minus q, so what will be the net charge here, zero. What will be the net charge here, zero, because they are cancelling out each other. Similarly if we have two more charges, suppose I have two q charges and minus q charges, so what will be the net charge here, it will be plus q charge. So we will be always talking about the net charge, not the charges inside. Iski wajah se alag se Gaussian surface nahi banana hai, iski wajah se alag surface nahi banana hai, but humko यहां से नेट चार्ज क्या होगा वो पता करना है. जो नेट चार्ज होगा उसको पता करना है और उसके हिसाब से हमको यूज करना है. हाँ, ये बात अलग है कि इमेजिन करो हमने अगर एक रॉड लिया है जो कि न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल रॉड लिया, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल इक्वल है. अगर मैं इसके बाजू में एक और पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ, एक और पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ जिसके पास कुछ पॉजिटिव चार्जेस है, सपोज ये कुछ पॉजिटिव चार्जेस इसके पास है. अगर इसके पास पॉजिटिव चार्जेस है तो हमको पता है प्रीवियस नॉलेज से कि ये जो कंडक्ट, ये जो इंसुलेटर है ये क्या हो जाएगा, या कोई भी मेटल रॉड है, सपोज अगर ये एक मेटल रॉड है, ये मेटल रॉड है और ये एक चार्ज रॉड है,
ये मेटल रॉड क्या हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी। पोलराइज हो जाएगी मतलब इसके पास इस साइड पे पॉजिटिव आ जाएंगे, बिकॉज ये पॉजिटिव इन पॉजिटिव को पसंद नहीं करते, और इस साइड पे क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी। अब क्या होगा, अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस तरह का सरफेस यहाँ पे इमेजिन करता हूँ। अगर मैं सिर्फ इस सरफेस की बात करता हूँ जो यहाँ पे है, जो मैंने इमेजिनरी सरफेस बनाया, मैंने इसको S2 नाम दे दिया, या सिर्फ इस सरफेस की बात करता हूँ जो यहाँ पे है, जिसको मैंने S1 नाम दे दिया, या मैं एक पूरे सरफेस की बात करता हूँ जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसको मैं S1 नाम देता हूँ, S3 नाम देता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ S2 के लिए बात करूं तो नेट नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव होगा, जो क्लोज अंदर होगा। सिर्फ S1 के लिए बात करूं तो नेट चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर मैं पूरे S3 के लिए बात करूं तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। per the standards of all India level, because many हेलो types of MCQs like analytical, comparative, knowledge based. हेलो, ओके, नेक्स्ट। ओके, सो फाइनली इतनी जो अभी तक है, हमने इतनी बकवास करने के बाद में कुछ मतलब की बात करते हैं। ओके, जो अभी तक की बात की, इसमें हमको पता कुछ भी नहीं चला, इसमें सिर्फ हमने सुना, सिर्फ सुना। सर आपने बहुत कुछ बोला, आप कुछ काम करो सर, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें समझते हैं जिससे हमारी न्यूमेरिकल, हमारी डेरिवेशन जो है ईजी हो जाएगी। ओके, सो आपको ये चीज समझना है कि ई फाइंड करने के लिए गॉसस लॉ एक चीज का ख्याल रखता है। ई जो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे को कुछ चीजें ध्यान में रखनी है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ध्यान में नहीं रहेगी तो गॉसस लॉ तुम्हारा कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। कि गॉसस लॉ हमेशा वैलिड है, हमेशा वैलिड है, ये दिमाग में लिख लो, टैटू करवा लो कि गॉसस लॉ जो है वो हमेशा वैलिड है। कहाँ पे, आपके किसी भी शेप या चार्ज वाले क्लोज सरफेस की बात करो, या किसी भी तरह के शेप की बात करो, गॉसस लॉ हमेशा वैलिड होगा। तो आई कैन मेक अ स्टेटमेंट दैट गॉसस लॉ इज ऑलवेज वैलिड, बट क्या, बट ये हमारी कितनी हेल्प करेगा, या कितना हमारी हम हमारे को काम आएगा, काम कितना आएगा। वैलिड तो हमेशा होगा, बट ये हमारे काम आएगा ये नहीं आएगा, ये डिपेंड करेगा कि हमने सरफेस कैसा चूज किया है, हमने कौन सा सरफेस चूज किया है। ओके, सो बट इट इज यूजफुल बेस्ड ऑन सरफेस वी चूज, इट इज बेस्ड ऑन सरफेस वी चूज। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, गॉसस लॉ ऑलवेज वैलिड। गॉसस लॉ ऑलवेज वैलिड का मतलब क्या है कि गॉसस लॉ हम किसी भी सरफेस पे लगा सकते हैं, किसी भी सरफेस पे लगा सकते हैं, मगर जैसे हमने इससे पहले देखा कि इंटीग्रेशन से जब हम सॉल्व करते हैं तो सरफेस के लिए इंटीग्रेशन हमारे को बहुत इजी हो जाता है, स्फेरिकल के लिए बहुत इजी हो जाता है, मगर कोई एक ऐसी ऐसा कोई सरफेस हो जिसमें गॉसस लॉ यूज करते वक्त इंटीग्रेशन सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए, तो उस वक्त क्या करोगे, उस वक्त प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गॉसस लॉ के लिए प्रॉब्लम सरफेस है, अगर सरफेस अच्छा चूज किया तो ये यही वैलिड चीज हमारे काम भी आएगी। सिर्फ वैलिड इंपॉर्टेंट नहीं है, काम भी आना इंपॉर्टेंट है ना। उससे तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर पाओ, तुम उससे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे फाइंड कर पाओ, वो इंपॉर्टेंट है। तो गॉसस लॉ वैलिड सभी सरफेस के लिए होगा, मगर काम कुछ ही सरफेस के लिए आएगा, अच्छे से काम यूजफुल कुछ ही सरफेस के लिए होगा, और वही सरफेस को हमको चूज करके इससे फायदा उठाना है। ओके, अभी फायदा किस तरह का उठाना है, सो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा सरफेस चूज करना है। अभी सर आपने बोल तो दिया कि यूजफुल तभी होगा जब अच्छा सरफेस चूज करेंगे, बट अब अच्छा सरफेस क्या होता है, कौन डिसाइड करेगा कि अच्छा सरफेस है। सर मैंने महंगा वाला सरफेस लिया था, वैसी बात नहीं है, ठीक है। कौन सा सरफेस अच्छा है वो देखते हैं। ओके, पहला तो ये, उस सरफेस की, अ गुड सरफेस, उसकी पहली क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी क्या है, क्या ई उस सरफेस के लिए कांस्टेंट है, क्या ई उस सरफेस के लिए कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट है तो वो एक अच्छा सरफेस है, इसी में दूसरा पॉइंट।
क्या ई और डी ए मतलब तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड और तुम्हारा एरिया वेक्टर जो होगा, ओके, आर इन दी सेम डायरेक्शन, क्या वो दोनों सेम डायरेक्शन में है? अगर वो सेम डायरेक्शन में होगा तो उससे फायदा क्या होगा कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा और ये मेरा एरिया वेक्टर है अगर, तो सर ये दोनों के सेम डायरेक्शन में होने से क्या फायदा हो रहा है? दोनों के बीच में एंगल जो है जीरो हो रहा है, और अगर एंगल जीरो हो रहा है तो मुझे एंगल की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। दोनों के बीच में एंगल जीरो हो गया, कॉस 0 1 हो गया, तो मेरा जो वैल्यू हो जाएगी फ्लक्स की वो ई डी ए हो जाएगा। ई कॉस थीटा डी ए लिखने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को थीटा की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये एक अच्छी गॉसियन सरफेस है, अगर ये दोनों चीजें तुम्हारी वैलिड होती है तो। जब भी तुम गॉसियस लॉ या उसकी डेरिवेशन या उसकी न्यूमेरिकल अप्लाई करोगे तो उसका सरफेस क्या है वो हमको चूज करना पड़ेगा, और वो सरफेस इन दोनों कंडीशन को वैलिड करता है या नहीं। ठीक है, क्योंकि ई अगर कॉन्स्टेंट हो गया तो इंटीग्रेशन लगाना जो है वो इंटीग्रेशन के ई बाहर आ जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन जो भी हो वो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो कि क्या होगा। ठीक है, ये एक पहला हो गया। दूसरा, ये गुड सरफेस चूज कर ली हमने। दूसरा, क्या ई एंड डी ए आपस में परपेंडिकुलर है? अगर अगर सपोज कोई सरफेस ऐसी चूज करते हो जहां पे ई एंड डी ए ये आपस में उसी सरफेस का कोई पार्ट, अगर वहां पे ई एंड डी ए जो है वहां पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, ये हमारा ई हो गया, ये हमारा अगर एरिया वेक्टर हो गया, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे आ जाएगा cos 90। cos 90 आ गया तो वहां पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब उस फ्लक्स के बारे में हमको बात करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब हमारा कुछ ऐसा भी सरफेस हो सकता है जिस सरफेस में हमारा कुछ हिस्सा जो है वो पैरेलल हो, कुछ हिस्सा जो है वो परपेंडिकुलर, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे फ्लक्स की बात करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे एंगल की बात करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी एक तरह का अच्छा सरफेस है। सर क्या बोल रहे हो, कुछ भी नहीं समझा। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल लेके देखेंगे, समझेंगे कि ये चीजें हैं वो उनको हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि तुम्हारा ई जो है हमेशा ई हमको ट्राई करना है कि कॉन्स्टेंट रहे, और ई एंड डी ए जो है वो क्या हो जाए, आपस में सेम डायरेक्शन में हो, तो ये एक अच्छा सरफेस है। ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, हम उसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, इमेजिन करो कि आपके पास एक चार्ज क्यू है, ठीक है, और आपको बोला गया है कि इस किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो निकालो। ठीक है, सो ये चार्ज हमारे पास है क्यू, अब हम गॉसेस लॉ को यूज करके फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और किसी एक पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो पता करो। ठीक है, तो हमको पता है गॉसियस लॉ के हिसाब से कि वो क्या होगा, अगर मैं उसको एक सरफेस ड्रॉ करूँ वापस से, वो उसी तरह का स्फीयर ड्रॉ करूँ, तो मुझे पता है कि क्या होगा, मुझे बार बार वापस से उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फटाफट उसको लिख लेता हूँ कि ये जो ई डॉट डी ए होगा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके, सो आपने अगर ये स्फीयर चूज किया है तो मैं आपको बता सकता हूं कि ई जो यहां से कैसे बाहर आएगा, क्यों बाहर आएगा, बिकॉज सब तरफ हर एक सरफेस पे ई क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये सरफेस से ये बाहर की तरफ जाएगा। अगर मैं ये एरिया लेता हूँ, ये सरफेस, ये अगर सरफेस चूज करता तो यहाँ पे सरफेस एरिया वेक्टर भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच में एंगल भी क्या होगा, जीरो होगा, कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ई मेरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ई को बाहर लेता हूँ तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन डी ए, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो सर वापस क्यों बता रहे हो, वापस इसलिए बता रहे हो क्योंकि इसके फौरन बाद हम इसको यूज करने वाले हैं, इसके लिए मैं एक क्विक रिविजन कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन डी ए क्या हो जाएगा सर, वापस से मुझे पता है सर, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा सर, वापस वापस वही वही चीज है। तो ई इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास क्या आ गया, ई आ गया, मतलब हमारी ई की वैल्यू ये आ गई। मतलब अगर किसी भी तरह का सरफेस होगा तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या होगी, एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूजिंग गॉसियस लॉ
वो हम लोग ये निकाल सकते हैं। अब मेरा बोलने का मतलब या वापस से इसको सॉल्व करने का मतलब ये था कि सर अगर हम इस सरफेस को, इस स्फीयर को चूज नहीं करते इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, अगर कोई और सरफेस लेते तो क्या होता? अगर मैंने एक स्क्वायर लिया होता तो स्क्वायर लेने में क्या होता? स्क्वायर लेने में इस तरफ एंगल अलग होता, इस तरफ एंगल अलग होता, इस तरफ एंगल अलग होता, नहीं तो फिर फर्क क्या पड़ता? अगर सेम केस मैं अगर क्यूब लेता हूं, जैसे ये क्यूब ले लिया मैंने, ठीक है, ये इतना आसान काम नहीं होगा क्योंकि इस केस में इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल है इस केस में, बिकॉज सरफेस के केस में हमको पता है इंटीग्रेशन डीए हमारे को वैल्यू पता है 4π r², मगर क्यूब के केस में अगर तुम इंटीग्रेशन डीए निकालने जाओ तो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो जितने डिफरेंट सर्फेसेस होंगे उन सब सारे सर्फेसेस के लिए ये वैल्यू डिफरेंट होगी, इवन दो गॉसेस लॉ वैलिड होगा उनके लिए भी वैलिड होगा, सारे सर्फेसेस के लिए वैलिड होगा, ठीक है, मगर ये काम तभी आएगा। ये कौन कर रहा है? किसी को लेक्चर लेना है बीच में? ओके, थैंक यू। ओके, मगर ये आपका काम आसान कभी बनाएगा जब आप कुछ ऐसा सरफेस चूज करो जो इजी हो। ठीक है, अभी कुछ कंडीशन डिसाइड करते हैं कि वो सरफेस कैसा होगा। ठीक है, हमारे पास तीन तरीके के सरफेस हो सकते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं उसकी। टाइप्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है, कैसा कैसा हो सकता है इसमें, टाइप ऑफ फील्ड कैसी है वो देखना पड़ेगा पहले, और उसके हिसाब से हमारा गॉसियन सरफेस होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके आगे हम लोग जितने भी एप्लीकेशन करेंगे वो इसी के ऊपर बेस के ऊपर करेंगे। अगर समझो हमारा टाइप्स ऑफ सिमेट्री जो है वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब क्या है, वो फील्ड कैसी होगी, अलोंग द रेडियस होगी, अलोंग द रेडियस होगी, फ्रॉम भी हो सकती है मतलब रेडियस की तरफ भी हो सकती है, रेडियस के बाहर की तरफ भी हो सकती है, फ्रॉम और रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ आती हुई फील्ड भी हो सकती है, सेंटर की तरफ जाती हुई फील्ड भी हो सकती है। अगर ऐसा केस है तो हमारी सिमेट्री कौन सी है, स्फेरिकल सिमेट्री, और जब सिमेट्री स्फेरिकल हो तो हम गॉसियन सरफेस क्या चूज करेंगे, हम एक कोसेंट्रिक स्फीयर चूज करेंगे, कोसेंट्रिक स्फीयर चूज करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर टाइप ऑफ फील्ड चेंज हो जाए, टाइप ऑफ फील्ड अगर अलोंग द रेडियस है, अलोंग द रेडियस है, और ये भी फ्रॉम और टू द सेंटर ही है, मगर अब ये स्फीयर नहीं है हमारे पास, ये सिलेंडर है, अगर क्योंकि सिलेंडर में भी तो सेम केस मिलता है, ये देखो ऐसा कुछ, ये स्फीयर है, ये टूवर्ड्स हो सकती है, अवे भी हो सकती है, ऐसे केस में क्या होगा, हम एक इस तरह का गॉसियन सरफेस चूज करेंगे जो कि कोसेंट्रिक होगा। कोसेंट्रिक मतलब इन दोनों सरफेस का सेंटर सेम होगा। सिलेंडर, अगर हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल सिमेट्री है तो ये तुमको समझना पड़ेगा कि सिलेंड्रिकल है या नहीं है, ये उसका एक्सिस है, फील्ड कहाँ है, क्योंकि ये सेंटर से पूरे चार्जेस यहाँ पे भरे हुए हैं, तो फील्ड किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके लिए हमको क्या यूज चूज करना पड़ेगा, एक ऐसा सरफेस जो सिलेंड्रिकल हो, एक ऐसा सरफेस जो सिलेंड्रिकल हो, तो मेरा आंसर क्या हो गया इसका, एक को एक्सियल मतलब जैसे ऐसा एक सिलेंडर जिसका एक्सिस और इस पुराने वाले सिलेंडर का एक्सिस क्या हो, सेम हो, तो एक को एक्सियल सिलेंडर चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी फील्ड अगर ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो, तीसरी फील्ड अगर ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो तो क्या होगा, तो परपेंडिकुलर सरफेस कैसी बन सकती है, अगर मेरे पास एक प्लेन हो कोई तो इसमें से फील्ड कहाँ होगी, बाहर की तरफ आएगी, ये सरफेस के साथ में परपेंडिकुलर बनाएगा। अगर ऐसा हो तो उस वक्त हम क्या चूज कर सकते हैं, बॉक्स चूज कर सकते हैं। अब ये बॉक्स किसी भी तरह का बॉक्स हो सकता है जो हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं। अभी इसको देखते हैं कैसे, सबसे पहला वाला देखते हैं। अभी यहां तक ये सारी चीजें क्लियर है, कोई डाउट है?
ओके गुड. किसी ने रेज हैंड किया है, एनी डाउट इन दिस? तुम लोग हमारा पहला एग्जांपल देखते हैं, लाइन ऑफ चार्जेस. ओके, इमेजिन करो कि आपको एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज दिया गया है, जैसे कि कोई वायर हो, एक वायर ही इमेजिन कर लो, जो उस पे अपने कुछ चार्जेस डाला है, उस वायर के ऊपर कुछ चार्जेस डाला, और ये एक इनफाइनाइट है. नॉर्मली प्रैक्टिकली इनफाइनाइट लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है. ओके, और वो यूनिफॉर्म भी है, उसके ऊपर जो चार्ज हमने डाला है वो चार्ज क्या है, यूनिफॉर्म है. अब उसको समझो कैसे, एक इस तरह से एक वायर है आपके पास जो बहुत लंबी है, इनफाइनाइट है, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ चार्जेस है. वो चार्जेस को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि इसके ऊपर इस तरह से कुछ चार्जेस है. ओके, अभी इस चार्जेस को समझने के लिए ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, इसमें चार्जेस हैं. अब ये किस तरह की सिमेट्री है पहले तो ये समझो. अब इसमें चार्जेस किधर की तरफ होंगे? चार्जेस होंगे बाहर की तरफ. यहाँ से चार्जेस कहाँ होंगे? बाहर की तरफ होंगे ना. हमको बोला ये गया कि एक बाहर एक कोई पॉइंट है जो कि पी पॉइंट है. अब वो शायद से आर डिस्टेंस की दूरी पे हो सकता है, ठीक है, तो हमको पता करना है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे लाइन चार्ज की वजह से कितनी होगी. तो पहले तो ये समझो कि लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होता है. लाइन चार्ज डेंसिटी मतलब, अगर लाइन चार्ज मतलब एक लाइन में अगर चार्जेस दिए हुए हो तो उनकी डेंसिटी क्या होती है. उनकी डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और वो होता क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ. मतलब अगर बहुत सारे चार्जेस दिए हुए हैं, वो एक लेंथ में कितने सारे हैं, ठीक है, थीके? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा. और यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे लाइन चार्ज डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी है. और आपको इस पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ओके, अगर 11th में भी आपको याद हो तो हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था. आपने इस तरह से एक चार्ज लिया, एक चार्ज कंडक्टर लिया, और एक पॉइंट था, उस पॉइंट के ऊपर इस पूरे इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, तो हमने उसको एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में डिवाइड किया, उसके बाद जाके कुछ सोल्यूशन किया था, ठीक है. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड था, पूरा एक इतना बड़ा डेरिवेशन था. अब यहाँ पे गॉसस लॉ क्या आसान कर सकता है उसको देखते हैं. अगर हम यहाँ देखें तो फील्ड कैसी है, फील्ड कैसी है, अलोंग द रेडियस है. अगर ये इस वायर का रेडियस तुम देखो, अगर ये वायर जो है, अगर इसको एक छोटा सा पतला सा सिलेंडर ही इमेजिन करो, तो मैं तुमको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ. ये दिख रहा है, ये वायर है समझो, इसके ऊपर चार्जेस है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ चार्जेस है, और इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस, चार्जेस अंदर है और ये चार्जेस यहाँ से कहाँ निकल रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं. ये चार्जेस यहाँ से कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ. बाहर की तरफ आ रहे मतलब किधर है, ये अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर का रेडियस जो है ना, ये अलोंग द रेडियस है. कहाँ होगी ये फील्ड, कहाँ होगी, अलोंग दी रेडियस. तो अगर मैं टेबल देखूं फिर से, तो अलोंग द रेडियस, और या तो टूवर्ड्स हो सकता है या तो अवे हो सकता है. तो अलोंग द रेडियस है तो किधर होगा, ये हो गया अलोंग द रेडियस. ओके, अब स्फीयर तो नहीं है तो ये मेरे लिए काम नहीं आएगा, तो क्या है, सिलेंडर होगा, बराबर. तो अब मेरे पास है क्या, सिलेंडर है, तो मैं किसको लूंगा, एक कोएक्सियल सिलेंडर लूंगा, और उस कोएक्सियल सिलेंडर को मैं क्या इमेजिन करूंगा, मेरा क्वेश्चन सरफेस इमेजिन करूंगा, ठीक है. इस सी के ऊपर एक कोएक्सियल सिलेंडर लेंगे, क्योंकि अभी ये सिमेट्री हमारे को कौन सी मिल रही है, ये हमारे को एक तरह की सिलिंड्रिकल सिमेट्री मिल रही है. अब कौन सा सरफेस चूज करें ये भी पता चल गया हमको, तो उस सरफेस को लेके हम फटाफट क्या करते हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसको पता करते हैं.
समझ में आया क्या करना है? ओके, कुछ इस तरह का बनेगा। ये हमारा गॉशियन सरफेस होगा। ये वो इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है जो हमने इसके अंदर रखा है। अब इस सरफेस, ये सरफेस जो है हमारा गॉशियन सरफेस है। या एनी डाउट? ये हमारा गॉशियन सरफेस है। और ये चार्जेस है। कोई डाउट है अभी तक के? प्लीज अभी पूछ लो, वरना डेरिवेशन एक बार शुरू हो जाएगी फिर बाउंस हो जाएगा सब। ओके, कुछ इस तरह की। अब हमको एक पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे पता करना है, किसी भी एक पॉइंट पे हमको मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? ये बाहर की तरफ होगा। यहीं पे हमारा एरिया वेक्टर किधर होगा? एरिया वेक्टर जो है वो यहाँ से बाहर की तरफ होगा। मतलब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ये हमारा रेडियस है, तो मतलब ये हमारे लिए एक अच्छी सरफेस है। जो हमारी कंडीशन थी कि कौन सा अच्छा सरफेस होता है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ई क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब मुझे ई की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पर अब इसके ऊपर हमारे पास लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्बडा है। इस पूरे सर्फेस को अगर मैं इमेजिन करता हूँ कि इसकी लेंथ जो है वो एल है। ओके, सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए विच इज इक्वल टू व्हाट? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉशियस लॉ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज डेंसिटी होती है लैम्बडा क्यू बाय एल, क्योंकि इसकी लेंथ एल है तो क्यू बाय एल। तो क्यू क्या हो जाएगा? क्यू को मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा इंटू एल। अब ये जो क्यू की वैल्यू है मैं इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो मेरे पास यही सेम इक्वेशन क्या हो जाएगी? लैम्बडा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब जैसा कि मैंने तुमको बताया कि ई क्या है, सब तरफ कॉन्स्टेंट है, ई सब तरफ कॉन्स्टेंट है। अब सर आप लोग, अभी तुम लोग बोलोगे सर इस सरफेस का क्या, ये दोनों सरफेस का क्या होगा? तो ये दोनों सरफेस की अगर हम लोग बात करें, तो इन दोनों सरफेस के ऊपर अगर ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है? वो इसी डायरेक्शन में। जैसा मैंने तुमको बताया था कि कुछ सरफेस ऐसे भी मिलेंगे जहां पे परपेंडिकुलर होगा, और आपको ये भी बोला था कि अभी समझ में नहीं आया, बाद में समझ में आएगा, तो अभी समझा देते हैं। यहाँ से एरिया वेक्टर किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। यहाँ से एरिया वेक्टर किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 90 डिग्री का एंगल बना। अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? फ्लक्स था कितना? ई कॉस थीटा ए। सब ये थीटा 90 हो गया, तो फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। अब अगर फ्लक्स जीरो हो गया, यहाँ पे भी बाहर की तरफ ही होगा, अगर फ्लक्स जीरो हो गया तो मतलब ये दोनों सरफेस के बारे में मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब ये सरफेस जो मैंने चूज किया ये परफेक्ट है, क्योंकि मुझे कहाँ जानना था? मुझे सिर्फ इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जानना था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो रहा है, और वो मैंने फाइंड कर लिया। मेरा सरफेस चूज करना सही हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कॉन्स्टेंट हो गई, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डेरिवेट इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूँ। इसको बाहर ले लिया, अब अंदर लगा दिया डी ए विच इज इक्वल टू व्हाट? अब ये डी ए की वैल्यू क्या होगी? ये इंटीग्रेशन डी ए क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी ए क्या हो जाएगा? ये पूरा एक सरफेस, क्योंकि ये मुझे इस पूरा, अगर ये सिर्फ एक एक को ले लूं मैं, तो एक सर्कल है तो 2 पाई आर है। एक सर्कल कितना है? 2 पाई आर।
और ऐसे यहाँ पे कितने सर्कल है, एल सर्कल है, मतलब मुझे अगर मैं पूरा इसका एक एरिया निकाल देता हूँ सिलेंडर का, तो मुझे मिल जाएगा 2 पाई आर एल। ओके, 2 पाई आर एल मिल गया। अब ये मिल लेने के बाद मुझे पता है कि ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो मुझे इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, लैम्बडा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अगर मैं अलग से लिखूं, और यहाँ पे एक चीज और गौर से देखो कि ये एल और एल तो कैंसिल हो गया। अब एल और एल अगर कैंसिल हो रहा है, मतलब मेरा गॉसियन सरफेस कितनी लेंथ का मैंने पकड़ा है, क्योंकि ये इमेजिनरी सरफेस है ना। मैं तुमको एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ, ये समझो मेरा वो चार्ज रॉड है, और अगर मैं कोई सरफेस लेता हूँ, मेरे पास कोई है यहाँ पे, ओके, ये समझो मेरा क्या है, गॉसियन सरफेस है। तो ये कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा ये गॉसियन सरफेस, क्योंकि क्या होगा, इनका एक्सिस जो है इसको बोलेंगे कोएक्सियल, क्योंकि दोनों के एक्सिस जो है वो सेम होगा। अब अगर मैं इसको ना लेते हुए, मैं अगर एक छोटा सा सरफेस लेता हूँ, छोटा गॉसियन सरफेस इमेजिन करता हूँ, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जब हम लोग बोलते हैं कि इनफाइनाइट लाइन है, इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन है, इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट मतलब एक ऐसी चीज, दिख रही है कुछ लाइन, दिख रही है, ठीक है। तो ये लेजर लाइट जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग जाएगी, मगर यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर तुम लोग एक चार्ज की लाइन इमेजिन करो, तो वो इनफाइनाइटली पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लाइन को जो कि बहुत बड़ी है उसको इनफाइनाइट कंसीडर कर सकते हैं। तो सरफेस कितना लेंथ का है इससे मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि लेंथ तो कैंसिल ही हो गई भैया, बराबर। अब अगर लेंथ कैंसिल हो गई तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बच गया, देयरफॉर वी कैन सी दैट ई इज इक्वल टू, ये ई को इधर रखा, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ भेज दिया, लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अगर एक और चीज यहाँ पे देखे सर, पिछले डेरिवेशन में जो हमने सरफेस इमेजिन किया था, एक सरफेस इमेजिन किया था सर, वहां पे 1/r² वेरी कर रही थी सर, तो अब वहां पे तो 1/r वेरी कर रही है। देखो ध्यान से देखो, ये ई जो है सरफेस के केस में, स्फीयर के केस में, स्फीयर के केस में 1/r² वेरी कर रही थी, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम गॉसियन लॉ अप्लाई करके एक सिलेंडर के लिए या सिलेंड्रिकल सिमेट्री के लिए 1/r वेरी कर रही है। तो सर कैसे, तो इसको हम समझाते हैं, कैसे समझेंगे इसको, देखो सेम वही लाइन इमेजिन करो, मैं वापस से वही डायग्राम नहीं बनाता हूँ, मैं से छोटा सा एरिया इमेजिन करता हूँ अभी, समझो मैं सिर्फ एक छोटे से एरिया की बात करता हूँ, ये मतलब एक असलियत है, रियलिटी है, ये जो हमने किया अभी ये एक्चुअली था क्या, मुझे ये पॉइंट पी पे निकालना था, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है कि क्यू क्या होता है, अगर ये छोटा सा लेंथ है, अगर इसका लेंथ आर है और ये भी लेंथ अगर सपोज आर है, मैंने सेम लेंथ ले लिया, रुको नहीं समझा होगा, मैं वापिस से बता रहा हूँ, अगर मेरे पास एक पॉइंट पी है, इस पूरे चार्ज कंडक्टर की वजह से कितना चार्ज होगा मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इस फिलहाल मैं सिर्फ इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे चार्ज कितना है, ठीक है। एक्चुअली एक्चुअली जब हम लोग कोई एक पॉइंट इमेजिन करते हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर बाकी सारे चार्जेस का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं, क्योंकि वो बहुत दूर है, तो सिर्फ कौन से चार्ज का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है पता है, मैंने पॉइंट कहाँ कंसिडर किया है, मैंने आर डिस्टेंस की दूरी पे पॉइंट कंसिडर किया है, तो सिर्फ आर इतनी ही लेंथ का जितना लेंथ होगा ना, इतनी ही लेंथ का आर लेंथ का ही जितना एरिया होगा, जितना साइड होगा, सिर्फ उतने चार्ज ही इसके ऊपर चार्ज कंट्रीब्यूशन करेंगे, बाकी के जो सारे चार्ज होंगे ना, बाकी के सारे चार्ज वो इतने दूर है, भले ही मैं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लेता हूँ, मगर बाकी के जो सारे चार्ज होंगे वो उसके ऊपर किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा, सिर्फ इतने से चार्ज की वजह से आएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ई जो है, ये क्यू जो है, ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, लैमडा आर के। लैमडा क्या है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, आर है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, लैमडा आर हो जाएगा, ठीक है। हमको ये भी पता है कि E अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, Q/r² होता है अकॉर्डिंग टू दी कूलम्स लॉ, बट ये Q को मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे,
ये क्यू मेरे लिए यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या है, इस केस में हमारे पास लैम्बडा आर है, तो ये वन अपॉन आर हो गया, जो इस केस की बात बता रहा हूँ। मैंने सेम हमारा कूलम्स लॉ ही लिया है, ठीक है। अब ये आर और ये आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे इस केस में जो इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर है, इस केस में ई जो है वो इसके बराबर हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब वन बाय आर वेरी कर रहा है। और ये भी वही रीजन है, क्योंकि कूलम्स लॉ वन अपॉन आर स्क्वायर वेरी करता है, इसीलिए इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वन अपॉन आर वेरी करता है, और इसीलिए हमारे को जो फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलता है, लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जल्दी से बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया हो तो फटाफट यस लिख के भेज दो। गुड, वेरी गुड, ओके, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया पहला केस, जिसमें हमने एक्चुअली दूसरा केस, पहले हमने ऑलरेडी स्फीयर इमेजिन कर लिया, फिर हमने एक लाइन चार्ज इमेजिन कर लिया। अब देखो ये जो भी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, तुम्हारी टेक्स्ट बुक ओपन करना, टेक्स्ट बुक में शायद से तुम्हारे को जो वैल्यूज मिले तुम उसको समझने की कोशिश करो, तुम खुद ही तुमको पता चल जाएगा कि टेक्स्ट बुक में जो भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तुमको ये पता चल गया है कि किसी भी तरह का सरफेस हो, अभी तुमको खाली बस क्वेश्चन मिल जाए कि हमारे को ये सरफेस है, ये लाइन चार्ज है, हमारे पास शीट डी वी या स्फीयर दिया हुआ है, तुमको ये पता चल गया कि उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है। जो डेटा मैंने दिया है उसके बिना पे, उसके बेसिस पे तुम किसी भी तरह का गॉसियन सरफेस चूज करके उससे तुम्हारी काम को आसान कर सकते हो, समझ में आया? तो अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किसी भी तरह का हो, जेई के लेवल का हो, नीट लेवल का हो, इस बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इस चीज को बार 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 प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अभी हम कोई दूसरा सरफेस लेते हैं। अब दूसरा सरफेस मतलब क्या, मैं नेक्स्ट लेता हूँ शीट, एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का मतलब क्या कि एक बहुत लंबी शीट, एक बहुत लंबी शीट, ठीक है। एक बहुत लंबी शीट की अगर बात करें तो क्या होगा, ये एक शीट को लेते हैं, ऐसा एक कोई शीट ले लेते हैं, उसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अब इस शीट की वजह से इस पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमको पता करना है, ठीक है। सो फिर से सेम डायलॉग, गॉसस लॉ हमेशा क्या होगा, वैलिड होगा। फिर से वही सेम डायलॉग मार रहा हूं मैं कि हमारा गॉसस लॉ जो है वो हमेशा वैलिड होगा, इट विल बी वैलिड ऑलवेज, लेकिन वो आपके काम आएगा या नहीं आएगा वो डिसाइड कौन करेगा, ये आपका सरफेस करेगा कि आपने कैसा सरफेस चूज किया है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारा इक्वेशन क्या होता है, हमेशा की तरह हमारा इक्वेशन वही होगा, ई डॉट डी ए विच इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। इस केस में हमको बोला गया है कि इसके पास कौन सी डेंसिटी है, इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब इस पूरे सरफेस पे कितनी डेंसिटी है उसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज कितने एरिया पे है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो ये जो क्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू एरिया, तो मैं इसको क्यू को लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारी बेसिक वैल्यू आ गई। अगर इस केस में हमें हम देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, ध्यान से देखो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ होगी, सोचो और आंसर करो। किस डायरेक्शन में होगी, उस पॉइंट पी को ध्यान में रखते हुए किस डायरेक्शन में होगी, यस वेरी गुड वेरी गुड, दोनों आंसर परफेक्ट। या तो यहां से बाहर निकलेगी सर, या तो अंदर जाएगी, तो दोनों भी होगी, इधर से बाहर भी होगी और यहां से अंदर की तरफ भी जाएगी, और दोनों ही केसेस में परपेंडिकुलर होगी, दोनों ही केसेस में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हो कि हमको करना क्या है। अब वापस से जाते हैं हमारे टेबल पे, अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा वाला यूज होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक ही हमारे पास बेचारा, इसी को यूज करना पड़ेगा।
तो कौन सी सिमेट्री है हमारे पास? प्लेनर सिमेट्री है। यस, वेरी गुड। तो हमारे पास प्लेनर सिमेट्री है। अगर प्लेनर सिमेट्री आ गई तो हम क्या यूज करते हैं? बॉक्स यूज करते हैं। तो अभी सर बॉक्स क्या होता है? तो मैंने बोला था तुमको, मैं बताता हूँ बॉक्स क्या होता है। अब मैं पहले एक सरफेस इमेजिन कर लेता हूँ तुम्हारे को समझाने के लिए, जिससे हम इसको अच्छे से समझ पाए। तो मेरे पास कोई सरफेस है। ओके, दिखाई दे रहा है? ये हमारा क्या है? चार्ज शीट है। ये क्या है हमारे पास? एक चार्ज है, एक चार्ज, इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन चार्ज शीट है। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं देखूं तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर है, बाहर की तरफ है। क्योंकि इस तरफ भी चार्जेस है तो इस तरफ भी बाहर होगी, इस तरफ भी बाहर होगी, इस तरफ भी बाहर होगी, दोनों तरफ बाहर है। तो हमको भी कोई ऐसा सरफेस चूज करना पड़ेगा जिस सरफेस से हमारा क्या हो जाए? काम आसान हो जाए। क्या हो जाए? काम आसान हो जाए। इलेक्ट्रिक जो हमारा गॉसियन लॉ है वो तो वैलिड होगा ही, वो तो किसी भी सरफेस के लिए वैलिड होगा। हम किसी भी तरह का सरफेस चूज करें, हम देखेंगे बाद में फिर एक दूसरा सरफेस भी चूज करके देखेंगे, तो उसके लिए भी वैलिड होगा। ठीक है, तो अब हमको बॉक्स यूज करना है। अभी तुमको बॉक्स का मतलब बता दूं कि जो बॉक्स हम लोग लेंगे वो कुछ इस तरह का होगा, जिसको हम लोग ना डिब्बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिब्बी बोलते हैं। जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर तुमको क्या करता है, एक पुरानी सी डिब्बी में प्लास्टिक की, मेरे पास कुछ डिब्बी जैसा है, तो ओके ये कैन है। ठीक है, इसको इमेजिन करो, ये कैन, इसको समझ लो कि ये एक तरह का बॉक्स है। अब ये बॉक्स हमारे कैसे काम आएगा? मैं इसको क्या करता हूँ, इसके सेंटर से इस तरह से कुछ फिक्स करता हूँ। ठीक है, अगर ये केस है तो ये कैसा बन गया? मैं इसका डायग्राम आपको बना के बताता हूँ। ये इमेजिन करो कि हमारे पास एक तरह का एक सरफेस है, एक प्लेन चार्ज शीट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। ओके, और हमारा जो सरफेस है वो कुछ इस तरह से बाहर होगा, यहां से कुछ बाहर होगा, और जितना बाहर होगा ना उतना अंदर भी बनाना पड़ेगा, अंदर की तरफ भी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चार्जेस दोनों तरफ सेम है और मुझे जो पॉइंट चाहिए वो पॉइंट दोनों तरफ हो सकता है, तो मैं ऐसा कोई काम करूँ ही क्योंकि मेरे को आधा अधूरा करना पड़े। अगर मैं कोई चार्ज यहाँ पे इमेजिन करता हूँ तो वो चार्ज इधर भी इमेजिन करना पड़ेगा, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या चीजें होगी? ठीक है, हमारी जो चार्जेस है वो किधर है? चार्जेस इधर है। ये हमारे हैं चार्जेस। अब इस चार्जेस से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ होगी? अब ये सरफेस चूज करने का सबसे पहले तो हमको सेंटर में लेना पड़ेगा, एकदम सेंटर में। क्यों? क्योंकि सब तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सब तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो सेंटर में इसको चूज करेंगे। दूसरा, जितना ये इस तरफ से बाहर होगा उतना इस तरफ से भी बाहर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस अगर सेम होंगे, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस अगर सेम होगा तो ही ये मेरे लिए काम आसान करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब इसमें से देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से सरफेस है हमारे पास। हमारे पास एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, और ये जो कर्व है यहाँ पे, ये कर्व इस तरफ भी है हमारे पास। ये जो कर्व दिख रहा है यहाँ पे, ये कर्व इस तरफ भी है और ये कर्व इस तरफ भी है। ओके, तो ये कर्व दो दो सरफेस हमारे पास, एक तरह का ये सरफेस हो गया। अब दोनों पे देखते हैं कि क्या हमारे लिए कौन कौन से सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैलिड है। अब अगर तुम देखो तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है? बाहर की तरफ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे लिए ये हो गई फिक्स। इस सरफेस के लिए एरिया किधर हो गया? ये वाला एरिया हो गया। इस सरफेस के लिए एरिया किधर हो गया? ये वाला एरिया हो गया। इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी किधर हो गई? बाहर की तरफ हो गई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अब यहां से तो मुझे दिख रहा है कि ये सरफेस मेरे काम का है। क्यों काम का है? क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी वो यहाँ पे क्या हो रही है? वैलिड हो रही है। क्या वो वैलिड हो रही है? कि जो मेरा ई है और जो मेरा एरिया है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, कॉस जीरो हो गया, थीटा का टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
अब ये सरफेस पे आते हैं, अब ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी मेरी इसी डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मेरी इस डायरेक्शन में होगी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में होगी। अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर बिकॉज ये सरफेस आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड जाएगा, तो ये एरिया वेक्टर ये वाला होगा, इधर भी एरिया वेक्टर ये वाला होगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। मतलब मुझे इस पूरे कर्व सरफेस की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये पॉइंट चाहिए था जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी वो मुझे आसानी से मिल गया। समझ में आया, मुझे आसानी से मिल गया, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये सरफेस जो है ये सरफेस चूज करके मैं आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ। समझ में आया, यहाँ पे देखो ये वाला सरफेस जो है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, ऐसी एरिया वेक्टर किधर है, वो भी इस तरह से बाहर की तरफ ही है, एरिया वेक्टर भी इधर बाहर की तरफ है और ये भी बाहर की तरफ है। मगर यहाँ पे देखो तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ ऐसी है और जो एरिया वेक्टर है वो इस तरह से परपेंडिकुलर बनेगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू हो जाएगी फ्लक्स की वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या ये समझ में आया, कुछ डाउट यहाँ पे, जल्दी से पूछो। ओके गुड, सो नो डाउट, क्लियर। ओके सो अभी हमारे पास क्या हो गया, हमारा जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हमने देखा था कि ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला है, ठीक है। अब मुझे ये तो पता चल गया कि E कांस्टेंट है ना, E कांस्टेंट मैंने तुमको बता के दे दिया। अब E कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा हमारे पास, डी ए बचा। अब ये किसके बराबर है, सिग्मा ए डॉट एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, ये इंटीग्रेशन डी ए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए जो है इसको तुम अगर ध्यान से देखो कितने सर्फेसेस है हमारे पास। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन डी ए लेता हूं तो ये एक एरिया है सर्कल का और ये एक एरिया है सर्कल का, तो ये एक सर्कल और ये एक दूसरा सर्कल, तो मैं अगर इंटीग्रेशन लेता हूं तो ये प्लस ये हो जाएगा, दो ही है ना, इंटीग्रेशन करोगे तो सिर्फ टू ए आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो टू ए आएगा मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टू ए विच इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, देखो ये ए जो है और ये ए जो है कैंसिल हो गया। सर ये क्या, एरिया तो गया, मतलब मुझे एरिया को देखना ही नहीं है वापस। जैसे मैंने पहले बताया था लेंथ वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं थी, यहाँ पे एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मेरा गॉसियन सरफेस का एरिया कुछ भी हो, मैं अगर छोटा सा एक सिलेंडर लेता हूं तो भी उसके लिए वैलिड होगा, मैं एक बहुत बड़ा ड्रम लेता हूं उसके लिए भी वैलिड होगा। तो मेरा E क्या हो जाएगा, E विल बी इक्वल्स टू सिग्मा माय सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये E हो जाएगा, समझ में आया। अब यहाँ पे एक और शॉकिंग, सर पहले आर स्क्वायर था फिर 1/r हुआ, सर यहाँ पे तो r है ही नहीं, यहाँ पे तो r है ही नहीं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट कहाँ पे है, इधर है या इधर है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा कैसे सर, एनी आइडिया, कोई कुछ बोल सकता है इस पे, कुछ कमेंट दे सकता है। ठीक है चलो मैं बताता हूं, ठीक है। अब हम जब सरफेस की बात करते हैं ना, तो सरफेस जब हम लोग छोटा वाला सरफेस लेते हैं, अच्छा किसी ने रिप्लाई दिया है, ओके। जब हम छोटा वाला सरफेस लेते हैं तो हमको पता है कि यहाँ पे चार्जेस है, ये चार्जेस है, ये भी चार्जेस है, ओके। तो अगर मैं बहुत नजदीक लेता हूँ, बहुत नजदीक, तो इससे पहले वाली इक्वेशन से जो हमने इससे पहले जो अजम्पशन किया था वहां से हमको पता है कि ये छोटा है, ये पॉइंट इधर है और ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये सिर्फ ये आर वाले एरिया लेंथ के जितने चार्जेस होंगे उसी पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे भी वही चीज एप्लीकेबल होती है कि अगर मैं सिर्फ बहुत छोटे से डिस्टेंस की बात करता हूँ, लेट्स से आर डिस्टेंस की ही बात करता हूँ,
तो ये आर डिस्टेंस के लिए सिर्फ इतनी ही लेंथ वैलिड होगी, यहीं से मुझे जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। अब ये भी हमको पता है कि 1/r वेरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइन के लिए 1/r वेरी करता है। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को दूर लेके गया। अब दूर लेके गया तो मुझे पता है कि इस टोटल चीज के लिए जो आर होगा इसके ऊपर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r से वेरी कर रही है। बट एट द सेम टाइम हमने ये भी पढ़ा है कि ये उतना एरिया उसके ऊपर कंट्रीब्यूट करेगा जितना ये दूर होगा, जितना लेंथ, अगर ये आर दूरी पे है तो ये पूरा आर उसके ऊपर कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर ये जितना दूर जाएगा उतने ज्यादा चार्जेस उसके ऊपर कंट्रीब्यूट करेंगे। अब ये दूर चले गया तो ये सारे के सारे चार्जेस भी क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। तो फर्क क्या हुआ कि जब नजदीक था तो यही चार्जेस थे जो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे, अब जब ये दूर चले गया तो सारे के सारे चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, मगर सारे थोड़ी 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 लगा रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जब पहले था तो एक ही आदमी था, पैसे दे रहा था तुमको, 100 रुपया दे दिया इसने, डायरेक्टली 100 रुपया दे दिया, ठीक है। अब जब दूर चले गया तो हर एक आदमी, 100 आदमी है यहाँ पे, और हर एक तुमको एक 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 रुपया दे रहा है, तो अब कितना हुआ तुम्हारे पास, अभी भी तो 100 रुपया ही हुआ। समझ में आया कि जब नजदीक थे तो एक ही आदमी दे रहा था, मगर वो डायरेक्टली पूरा 100 रुपया दे रहा था, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा थी। अब क्या हो गया, अब जो तुम दूर चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से तो कम हो ही गई, मगर जो बाकी के थे वो भी अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहे, वो अभी कंट्रीब्यूट करने लगेंगे। तो इसकी वजह से अगर एक ही रुपया आ रहा है मगर बाकी के 99 से भी एक एक रुपया आ रहा है, तो फिर से तुम्हारे पास क्या हो गया, 100 रुपीज फिर से जमा हो गए। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि पॉइंट कहीं पे भी हो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यही तो तुम्हारी इक्वेशन बोल रही है कि हमारा इक्वेशन कुछ भी हो, हमारा डिस्टेंस कुछ भी हो, वो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हमारे को क्या मिलेगा, ई जो है वो सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। अब वो किस पे डिपेंड करेगा, खाली हमारे सिग्मा मतलब हमारे सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इसका भी मैं रिलेशन ये दे सकता हूं कि क्योंकि लाइन चार्ज डेंसिटी में इलेक्ट्रिक लाइन चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r वेरी करती है, इसी वजह से किसी प्लेनर सिमेट्री में या प्लेन चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ में वेरी नहीं करती है, क्योंकि वहां पे 1/r वेरी करती है, इसी वजह से यहाँ पे डिस्टेंस के साथ में वेरी नहीं करती। क्लियर एवरीथिंग, एनी डाउट इन दिस? ओके गुड, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है वो हम लोग देखते हैं। बट ये कूलम्स लॉ का है और उसके बाद में एक छोटा सा टेस्ट हो जाता है। ये दिखाई दे रहा है, इफ इज इट विजिबल जस्ट सेंड मी अ यस। ओके अब देखो, ये जो हमने भी पढ़ा ना, 1/r वेरी करती है या नहीं करती, वो इसके ऊपर है। अगर मैं यहाँ से जो चार्जेस को दूर लेके जाता हूँ या चार्जेस को नजदीक लेते जाता हूँ, तो कौन सा चार्ज, देखो मैं नजदीक लेके आ रहा हूँ तो डिस्टेंस जो है क्या हो रहा है, देखो ये जो है ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, ये मेरा फील्ड का मैग्नीट्यूड पता कर रही है, मतलब उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों एक साथ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। दो चार्जेस है मेरे पास और मैं अगर इनको एक साथ दूर लेके जाता हूँ तो देखो क्या फर्क पड़ता है। सिर्फ तुम ऑब्जर्व करो, इससे कुछ गॉसेस लॉ का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे को सिर्फ कूलम्स लॉ बताता है कि हमने कूलम्स लॉ में क्या पढ़ा था। कूलम्स लॉ अगर आपको याद हो तो क्या था वो, एफ इज इक्वल्स टू क्या था, एफ इज इक्वल्स टू 1/4πε0Q1Q2r² कुछ ऐसा ही था कूलम्स लॉ ना, मुझे भी याद नहीं, भूल गया, ऐसा ही था कुछ, ठीक है। तो अगर ये था चार्ज, तो अगर ये हमारे पास दो चार्जेस है तो ये दो चार्जेस हमारे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये इन दोनों दोनों की दूरी से कितना कितना एक दूसरे की दूरी पे है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं इसी को और एटॉमिक स्केल पे देखूं,
इसी को मैं अगर और ज्यादा एटॉमिक स्केल पे देखूं तो देखो क्या होगा, मैं किसी भी तरह का मॉलिक्यूल ले सकता हूं, ये देखो, जब जब मैं दोनों को नजदीक लाता हूं तो दोनों के बीच का रिपल्शन देखो कितना बढ़ रहा है। अगर मैं दोनों को, मैं इसका पोटेंशियल बढ़ा देता हूँ, इसका भी पोटेंशियल बढ़ा देता हूँ, देखो अब दोनों को फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी हमने पढ़ी, इसका जन्म जो हुआ है ना, ये कूलम्ब लॉ के साथ ही हुआ है, और उसी की वजह से गॉसेस लॉ को बीच में आना पड़ा। ठीक है, कूलम्स लॉ में ये, इसका लिंक भेजूंगा तुमको, इसका लिंक भेजूंगा चैट में, तो ये लिंक जाके तुम इससे कूलम्स लॉ अच्छे से समझ लेना, और जब प्रिपेयर करोगे ना, नोट्स प्रिपेयर करोगे तो कूलम्स लॉ को अच्छे से समझना कि कूलम्स लॉ में 1/r² वेरी क्यों करता है। देखो मैं नजदीक लेके आता हूँ तो देखो क्या होता है, रिपल्शन कितना बढ़ रहा है, मैं दूर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही समझना है तुमको। क्या ये समझ में आया?